मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, जिला झुंझुनू, राजस्थान, गांव खांडवा का मूल निवासी हूँ। और मेरे ताऊ जी की तबीयत 10/9/2020 को अचानक रात को 8 बजे अचानक तबीयत ख़राब हो गई। एक पेशेंट आया था हमारे पास, उनका नाम भूप सिंह था, ही वॉज मस्टली अराउंड 65 ईयर्स। जब एमरजेंसी में आए थे उनका राइट साइड में कंप्लीट पैरालिसिस था एंड कंप्लीट एफेजिक थे, बात नहीं कर पा रहे थे। सो इमिडिएटली जब इनिशियल वाइटल्स लेने के बाद पेशेंट को हम लोगों ने MRI ब्रेन स्कैनिंग के लिए नीचे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा। MRI स्कैनिंग होने के बाद पता चला वहाँ पे उनको लेफ्ट MCA में प्रॉक्सिमल रीजन में देयर वाज ए ह्यूज थ्रॉम्बस, जिसके कारण वो हाथ पर मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। एग्जामिनेशन में उनका NIHS स्कोर 9 था आउट ऑफ 42। हमने इमीडिएट CT एंड MRI किया, जिसके अंदर उनको लेफ्ट MCA टेरिटरी इनफार्क्ट विथ लेफ्ट MCA M1 ब्लॉकेज था। पेशेंट का CT एस्पेक्ट 7/10 था। पेशेंट वाज ए गुड कैंडिडेट फॉर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, इसलिए हमने इमीडिएट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का हेल्प लिया और पेशेंट को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी किया। अर्जेंट बेसिस पे कैथ लैब को खाली करा के हमने पेशेंट को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए लिया। ये एक तरह का नया प्रोसीजर है, इसमें अपन स्टंट रिट्राइवल से जो क्लोट फंस जाता है उसको खून की नस के जरिए जाके निकालते हैं। उससे हाथों हाथ खून दिमाग में सर्कुलेशन दोबारा से चालू हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है और हाथों हाथ हाथ और पैर में पावर और जैसे बोलने की समस्या रहती है वो सही हो जाती है। ये सबसे अच्छा तब रहता है प्रोसीजर जब पेशेंट विद इन 5-6 आवर्स अपने पास आ जाता है, तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और करने के बाद हम भूप सिंह जी को उनकी पावर जो GCS थी वो E4, V3 और M6 के साथ अपर लिम पावर 4/5 और लोअर लिम पाई पावर 4/5 पे उनको हमने घर भेजा स्टेबल सिचुएशंस में। कोई भी उनको ऐसी दिक्कत नहीं आई ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद भी सारी चीज़ें स्टेबल रहीं, अच्छे से हमारा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट रहा, इंटरवेंशन भी अच्छे से हुआ है। न्यूरोलॉजिकली ट्रीटमेंट डॉक्टर श्रवण एंड डॉक्टर इब्राहिम ने देखा है, थैंक्स टू डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर श्रवण एंड डॉक्टर अभिषेक की ये सारी चीज़ें स्मूथली पॉसिबल हुई हैं। बहुत ही अच्छी रिकवरी मिली, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। मनीवाल हॉस्पिटल से पूरे स्टाफ से अच्छे से सेटिस्फाइड हैं और किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रहने में। यहाँ अच्छी कैंटीन की भी व्यवस्था देखी गई, अच्छी साफ सफाई थी और बाकी कोई भी हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। अपनी देसी भाषा में हमारी गांव वाली भाषा में हम जाने तो दिमाग की नस ब्लॉक होना एक डेड बॉडी के बराबर हो जाता है कि हमारे गाँव की ये बातें पुराने लोगों की उनसे सुनते हैं। तो यानी कि एक नया जीवनदान मणिपाल हॉस्पिटल ने मेरे ताऊ जी को दिया है।